बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है, किसका? लार का। लार जिसको अंग्रेजी में आप स्लाइवा कहते हैं और एक अंग्रेजी में सैलीवा भी कहते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, सैलीवा, स्लाइवा, लार। ये लार का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है मुंह, और ये 24 घंटे काम करता है। इसकी कोई छुट्टी नहीं है, ना संडे है ना हॉलीडे है, दिवाली दशहरा हमेशा ये प्रोडक्शन यूनिट हमारी चलती रहती है। रात को आप सो जाते हैं तो भी ये फैक्ट्री चलती रहती है, और ये फैक्ट्री इतनी लार बनाती है कि आप सोच नहीं सकते। लीटर में नापेंगे तो एक दो नहीं दसियों लीटर एक दिन में 24 घंटे। तो ये लार बनाने का काम मुंह में चलता रहता है। जीभ उसमें सबसे ज्यादा मदद करती है। जीभ के साथ कुछ लार ग्रंथियां हैं, वो भी काम करती है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, फिजियोलॉजी एनाटॉमी का एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा कि मुंह में 100,000 लार ग्रंथियां हैं। 100,000 लार ग्रंथियां हैं मुंह में, और ये रात दिन काम कर रही है तो लार बन रही है। अभी जो लार बनती है हमारे मुंह में, ये पूरी तरह से क्षारीय है, एल्कलाइन है, पूरी तरह से एल्कलाइन। कभी भी आप इसको मुंह से निकाल के टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर से, ये एल्कलाइन है। और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, और पेट की फैक्ट्री भी चालू रहती है, हमेशा अम्ल बनाने में, एपिगैस्ट्रियम में अम्ल बनता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं हम सब। तो पेट में बनता है अम्ल एसिड, मुंह में बनती है लार एल्कलाइन। ये लार है एल्कलाइन और अम्ल है एसिडिक, ये दोनों मिक्स हो तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पेट के अम्ल में मुंह की लार जाकर मिलती रहे, ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, नॉर्मल रखे, एसिड बढ़ने ना पाए। इसलिए व्यवस्था ऐसी है कि जो भी लार बनेगी वो अंदर जाएगी, लार बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी। ये हमारे शरीर में चलता है।